तो दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं और आज़ादी के बाद 1947 के बाद बहुत से राज्यों ने अपना बड़ा अच्छा विकास किया। खास करके अगर मैं महाराष्ट्र और गुजरात का नाम लूँ तो ये तो नंबर 1 नंबर 2 पे पहुँच गए। कुछ ऐसे राज्य थे जो बीमारू राज्यों में आते थे, जिनकी हालत बड़ी ख़राब थी, लेकिन आज उनमें से कुछ राज्य बहुत आगे जा चुके हैं, खास करके यूपी, उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश इंडिया के टॉप 5 के स्टेट में पहुँच चुका है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया और वहाँ पर सिक्योरिटी का माहौल बनाया गया, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया गया। देखिए, बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडस्ट्रीज तभी किसी राज्य में आकर के अपना सेटअप लगाएंगे जब उनको वहाँ पर सिक्योरिटी दी जाएगी, उनको ये विश्वास दिलाया जाएगा कि आपके साथ यहाँ पर लूटपाट चीज़ें नहीं होंगी, आपकी सुरक्षा आपको रहेगी, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों यूपी तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और चूँकि उसका क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा है और चीप लेबर वहाँ पर, ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी यूपी नंबर 1 नंबर 2 पे भी पहुँच सकता है। हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक ऐसा राज्य है दोस्तों जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसका बहुत ही गौरवशाली अतीत रहा है, लेकिन वो राज्य आज भी बहुत पीछे है, और वो राज्य है दोस्तों बिहार। जहाँ बाकी राज्यों का क्रमिक विकास हुआ है, वहाँ बिहार का क्रमिक ह्रास हुआ है, यानी नीचे गया है बिहार। देखिए, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी जो आज की डेट में बंद हो चुकी है। वो बिहार जहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर आर्यभट्ट थे, जहाँ पर आचार्य चाणक्य थे, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, ऐसे बिहार की ऐसी दुर्दशा देख करके बहुत दुख होता है दोस्तों। अब इस दुर्दशा का कारण क्या है? तो कारण से पहले एक और बात आपको बता दूँ कि हम सभी जानते हैं कि बिहार से लोग जाते हैं पूरे भारत में, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और उनके साथ बड़ा गलत व्यवहार भी होता है। तो दोस्तों ये दुर्दशा क्यों है? दुर्दशा इसलिए है दोस्तों क्योंकि बिहार में इंडस्ट्रीज़ हैं ही नहीं। इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है, किसी भी सरकार ने उसको बनाने की कोशिश नहीं की, एंड लॉ एंड ऑर्डर तो वहाँ हमेशा से ख़राब रहा है। जैसा कि मैंने अभी पहले कहा, अगर सिक्योरिटी हम नहीं देंगे कंपनीज़ को तो कभी आएंगे नहीं हमारे। तो दोस्तों इसके अलावा जातिवाद ने बहुत डैमेज किया बिहार। जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं बिहार में जिसका कोई हिसाब नहीं। मान लेते हैं मेरी जाति का कोई आदमी चीफ मिनिस्टर बन गया और मैं इस बात से खुश हूँ, अरे मेरी जाति का आदमी चीफ मिनिस्टर है, इससे मुझे सचमुच में क्या फ़ायदा मिला? ये एक झूठी खुशी है। थोड़ी देर के लिए हम अपनी छाती ठोक सकते हैं, अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि भाई मेरी जाति का आदमी बन गया है चीफ मिनिस्टर, इससे कुछ मिलता नहीं। हमको ये देखना चाहिए कि क्या इस बात से हमारे घर का कोई विकास हुआ, हमारे बच्चों का कुछ भला हुआ? तो ऐसा तो हुआ नहीं। सब ने अपनी तिजोरियाँ भरी, सारे नेताओं ने, हम सभी जानते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो बिहार की जनता को जातिवाद से ऊपर उठ के योग्य जो लोग हैं उनको वोट देना चाहिए, उनको सरकार में लाना चाहिए, जो कर्मठ लोग हैं, नई सोच के लोग हैं, जो सही मायने में ईमानदारी से बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हो, जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो, जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ला सकते हो, जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर सकते हो, सिक्योरिटी का माहौल दे सकते हो, ऐसे लोगों को वहाँ सरकार में लाना चाहिए, और ये सिर्फ जनता कर सकती है। तो जनता को चाहिए, बिहार की जनता को, कि वो ऐसे लोगों को सरकार में बिठाए जो बिहार को आगे ले जाए, बिहार के लोगों का गौरव फिर से वापस आ सके और बिहार के लोग इज्जत की ज़िंदगी अपने राज्य में जी सकें। बल्कि बिहार को इतना आगे बढ़ाना चाहिए कि दूसरे राज्यों के लोग बिहार में नौकरी करने के लिए आए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऐसा संभव है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं।